हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज़ लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो सबसे पहले अपना कोई भी फेवरेट जो ब्राउज़र ओपन कर लो, और सर्च बार में आपको टाइप करना है विजुअल स्टूडियो कोड और डाउनलोड। उसके बाद ये जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो दिख रहा है, वेबसाइट जो ओपन हुई है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर तीन चीज़ दिया गया है। मैं तो यहाँ पे विंडोज़ 10 और 11 के लिए डाउनलोड करने वाला हूँ, तो मेरा विंडोज 11 है, तो विंडोज़ पर क्लिक कर दूँगा मैं। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फाइल पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना चाहते हो, कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन को, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ इसी में। ये मेरा डाउनलोड हो गया। इसको मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने पीसी में। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट कर दूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है आप कहाँ पर इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो कंपलसरी नहीं है कि कहाँ विंडोज़ डी में करो या सी में करो, तो आप कहीं भी चाहो वहाँ पे कर सकते हो इंस्टॉल इसे। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट दिया उसको ये मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उस पर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है आपको। ये क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन, अगर आपको डेस्कटॉप पर आइकन चाहिए तो इसको क्लिक कर दो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है इंस्टॉल। सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। फिर इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। अभी ये स्टार्ट होगा मेरा जो एप्लीकेशन है। उसके बाद ऐसे कुछ ऑप्शन आएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करना है आपको, जो आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। तो पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, फिर इसमें कोई ओपन करता हूँ फाइल को। मैं जिस पीसी में जाता हूँ यहाँ पर कहीं पर एक फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम हाँ, ये मेरा फाइल बन गया। अभी मैं अपने एडिटर में आता हूँ, यहाँ पर एक फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं, ओपन फोल्डर। ये जो मेरी फाइल है फोल्डर है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। उसके बाद आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करना है आपको फाइल बनाने के लिए। यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हो, .html। उसके बाद यहाँ पर मैं एक कोड दिखाता हूँ, बहुत ही शॉर्टकट कोड है। आपको शिफ्ट और जो वन है वन को प्रेस करना है, उसके बाद इंटर प्रेस कर दो, ये आपका डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। तो आपको जो भी कोड यहाँ पर कुछ लिखना है तो वहाँ पर आप लिखो ऐसे, yes1.sachin सचिन के। अभी जैसे कि इसको अभी मैं दिखाऊंगा, अगर आप इसको चेक करेंगे बार बार ओपन करके कि मेरा सही से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, एक एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा इसका। तो प्लगइन ये है कि जैसे कि अगर हम कोड लिखते हैं तो कोड को बार बार चेक करना पड़ता है कि मेरा कोड कैसे वर्क अच्छा हो रहा कि नहीं, तो आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है कि एक्सटेंशन में आना है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको लाइव सर्वर। ये
फिर जो आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन ये जो दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिया गया है कि ये कैसे वर्क कैसे ये करता है। जैसे आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। ये तो पहले मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। इंस्टॉल हो गया ये। अब ये आना है आपको यहाँ पे अपने कोड में, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा जो ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। मेरा लाइव सर्वर चालू है यहाँ पे, इसको मिनिमाइज करके ऐसे एक डबल बॉक्स ले लो। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप कुछ चेंजेस करते हो डायरेक्ट ये यहाँ पर जो भी है वो दिखने लगेगा। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर ये फटा ऑटोमेटिक स्पीड से आते रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोड करते हो। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पर ये दिख रहा है। हाँ जैसे कि फिर से आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो अगर मैं जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पर दिखेंगे नहीं। जैसे मैं कंट्रोल यहाँ पर यस करता हूँ ऑटोमेटिक यहाँ पर ये दिखने स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ पर दिख जाता है। तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सेव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एक और एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है सेव टाइपिंग। आपको ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो ये दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ चालू। नीचे ना कुछ भी लेना है, यस वन में लो, यहाँ पे लिख दो हेलो, ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे मैं मुझे कंट्रोल यस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आपको ये जो एक्सटेंशन है आपको ये डाउनलोड करने में, डाउनलोड जब ये कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपको कोड को रन करने में। आई होप गाइस ये मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा।